दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है। पीएम मोदी ने सोमवार रात संयुक्त राष्ट्र की अहम बैठक में वर्चुअली संबोधन किया और कहा कि सूखा और बंजर जमीन हमारे लिए चिंता का विषय है। उन्होंने बंजर होती जमीन और सूखे के हालात पर मीटिंग में कहा कि भारत ने हमेशा धरती को माँ का दर्जा दिया है। धरती पर कम होती उपजाऊ भूमि मानवता के लिए चिंता का विषय है। ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। उन्होंने कहा कि ये खतरा ज्यादातर विकासशील देशों के लिए है, इस ओर हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते पर्यावरण को लेकर चिंता जताकर उन्होंने कहा कि जमीन का कम होता उपजाऊपन विकासशील देशों और दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। भारत इस मामले में अपनी सहयोगी विकासशील देशों की मदद कर रहा है ताकि लैंड रेस्टोरेशन अच्छे से किया जा सके। भारत में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके साथ ही भारत में सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी तैयार किया गया है ताकि इस मामले में हम दुनिया की मदद कर सके। उन्होंने कहा कि कच्छ के रण में इस कारण काफी समस्याएं आई थीं, लेकिन उसे सुधारने के लिए अभी प्रयास जारी है। आज भी वहां बहुत कम बारिश होती है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत कच्छ के रण में भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए कई प्रयोग कर रहा है। इनमें से एक प्रयोग घास लगाना है ताकि जमीन को बंजर होने से रोका जा सके। पीएम मोदी के संबोधन की खास बातों पर अगर नजर डालें तो पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रख चुका है। भारत ने 10 साल में करीब 30 लाख हेक्टेयर जमीन पर पौधे लगाकर वन क्षेत्र जोड़ने का काम किया। देश के कुल क्षेत्रफल से 1/4 संयुक्त वन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने का दावा किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि दुनिया भर में जलस्तर की कमी की वजह से सूखा और बंजर भूमि पड़ने की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसलिए आज दुनिया के 2/3 हिस्से प्रभावित हो रहे हैं। सूखी और बंजर भूमि के बढ़ने से अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता की नींव को कमजोर करने की बातें प्रधानमंत्री ने कही। दुनिया को पानी के महत्व को समझना चाहिए, ये भी पीएम मोदी ने कहा। साथ ही सूखा और बंजर भूमि को बढ़ने से रोकने के लिए मानव जाति को ही उचित कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया भर में सत्ता के लिए संघर्ष हो रहा है, युद्ध तक हो रहे हैं, लेकिन भविष्य में पानी के लिए भी युद्ध छिड़ सकता है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।